रिमझिम के पापदा गीत सावन गाए धसा धपा धा कोमल प धपा गरे सारे गप गरे सा एक सेंटिमेंटल मूड दोस्तों दिखता है कि नहीं, इमोशंस फीलिंग्स बहुत सरलता से व्यक्त किया जा सकता है इस राग के थ्रू। इस कारण से इस राग का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हमें मिलता है अनेक म्यूजिक डायरेक्टर्स द्वारा। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, अब तुमसे मिलकर ना जाने क्यों मेरे निदा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज राग शिवरंजनी बेस सॉन्ग्स ऑफ रिस्पेक्टेड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने शंकर जयकिशन साहब के राग शिवरंजनी पर आधारित गीतों की लड़ी आपके समक्ष रखी थी, जिसको आपने बहुत प्यार दिया। और समय समय पर मैं इस राग का विश्लेषण करता रहता हूँ दोस्तों, कि किन किन म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने इस राग का प्रयोग किया है। आज मैं 5 गीत जो कि राग शिवरंजनी पर आधारित हैं, जो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने ही कंपोज किए हैं। इसका मतलब राग सेम रहने वाली है, आज के लेक्चर में ताल भी सेम रहने वाली है, ताल कैरवा पर आधारित है सारे गाने, और कंपोजर्स भी सेम रहने वाले हैं। अगर शिवरंजनी की बात करो तो मैं 100 गाने आपको इसी लेक्चर में बता सकता हूँ, लेकिन स्पेसिफिक म्यूज़िक डायरेक्टर को टारगेट करते हुए उनकी क्या रचनात्मक बुद्धि का तत्व है इस राग को लेकर, वो मैं आज आपके समक्ष शेयर करूँगा। कहाँ कहाँ पर विवादी स्वरों का प्रयोग हुआ है, कहाँ कहाँ पर संपूर्ण शास्त्र शिवरंजनी का हमें देखने को मिलता है। 1964 से 1986 की मैं जर्नी कवर करूँगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की इस राग को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका कर्तव्य है इसको शेयर करना, जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं राग का क्या एप्लीकेशन है हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक में, उनके लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैं गीत ले रहा हूँ दोस्तों, लता जी का गाया हुआ है। 1964 में मूवी आई थी संत ज्ञानेश्वर, उसमें प्रारंभिक आलाप है और इस गीत को बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया है राग शिवरंजनी में। हालांकि मिश्र शिवरंजनी भी होती है, मैं आपको बताऊँगा। खबर मोरी ना लीनी रे, अब प्रारंभिक बोल आलाप देखिए, इसमें संपूर्ण शिवरंजनी का शास्त्र हमें देखने को मिलता है। भोर भई नित सूरज उगे, सांझ पड़े ढल जाए, ऐसी ही मेरी आस बंधे और बंध बंध कर मिट जाए। तो अब देखिए इसके स्वर। गा रे रे सा गा रे सारे सा सा दा सारे रे गा गा पमा गा। अब मध्यम लग गया, यहाँ पर मिश्रित रूप जरूर हो जाता है। रे रे सा गा रे सारे सा सा दा रे सा सा। अब आगे देखिए आप। खबर मोरी ना लीनी रे, खबर मोरी ना लीनी रे, बहुत दिन बीते सारे गा पापा धा सधप गर मागा, सारे गा पापा धा धा सारे सधप गर मागा, रे गरे साध सा गा गरे गप गरे साध सा। तो खबर मोरी ना, ये कितना खूबसूरत अंग लता जी ने लिया है। खबर मोरी ना लीनी रे, मध्यम का प्रयोग पुनरावृत्ति हमें दिखती है अल्प प्रमाण में,
नहीं तो अगर मध्यम का भी प्रयोग नहीं होगा तो ये संपूर्ण शास्त्रीय संगीत ही हो जाएगा। इस कारण से दोस्तों सेमी क्लासिकल सॉन्ग की कोटी में इस गीत को, इन गीतों को इनफैक्ट हम रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोमल निषाद का प्रयोग, कभी कोमल धैवत का प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा, और शुद्ध गंधार का प्रयोग तो हम कह सकते हैं कि व्यवहार में इतना आता है शिवरंजनी के कि उसको शास्त्रबद्ध करना ही सही रहता है दोस्तों। इसलिए कहीं कहीं बंदिशों में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, जिस प्रकार मारू विहाग में हमें देखने को मिलता है शुद्ध मध्यम का प्रयोग, छायानट में कोमल निषाद का प्रयोग। ये विवादी है और ये एक एस्थेटिक्स ऑफ म्यूज़िक का एक शास्त्र भी है कि कॉन्ट्रास्ट से अगर ब्यूटिफिकेशन हो रहा है तो उसका प्रयोग कई शास्त्र उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो वही चीज़ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने भी इस रचना में करी है। अंतरा देखिए दोस्तों, अंतरे में कोमल निषाद की पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। गोकुल की ये गोकुल की ये अब सागा मा पा मा गरे सा, यहाँ राग मधुवंती भी दिखती है। गोकुल की ये गलियां रोए मधुबन की ये कलियां रोए, तो पा धा पा पा मा पा मा गा पा धा पा 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 धा नी कोमल धा पा मा शुद्ध भी लग गया मा धा पा 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 जमुना रोए राधा रोए रसवंती रंग रलियां रोए मोरे शाम हाय रोए रोए मेरे तो नैना भैरी ते बहुत दिन बीते। तो ये पहली रचना थी शिवरंजनी में 1964 से। अब मैं आपको सीधा 1969 में लेके चलूँगा दोस्तों। मूवी थी अनजाना, इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ही म्यूज़िक था। कैरवा ताल पर निबद्ध है और रफ़ी साहब ने और लता जी ने इस गीत को यादगार बनाया दोस्तों। रिमझिम के गीत सावन गाए, जी हाँ ये भी शिवरंजनी में। रिमझिम के गीत सावन गाए हाय भीगी भीगी रातों में। आप देखिए यहाँ पर कोमल धैवत एज अ विवादी हमें देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया पहले। रिमझिम के पापा धा गीत सावन गाए धसा धा पा धा कोमल पा धा पा गरे सारे गपा गरे सा होठों पे बाजी की आए हाय भीगी भीगी रातों में। तो पा पा धा दसा धा पा धा पा कोमल धा पा गरे सा रे गरे गा पा गरे सा। पांच स्वर का राग है, भोपाली में गंधार कोमल कर दें तो शिवरंजनी हमें मिलती है। मध्यम और निषाद इस राग में वर्जित है दोस्तों। वो शास्त्र 90% मैं कहूँगा इस गीत में हमें देखने को मिलता है। इस कारण से मैंने इसको शिवरंजनी की कोटी में रखकर इस लेक्चर में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का पुरुषार्थ किया दोस्तों। तो पा पा धा सदा सा धा पा धा पा धा पा गरे सारे गरे गा पा गरे सा। अब आगे देखिए दोस्तों, मजे की बात, अंतरा सिर्फ चार स्वरों में चलता है, वापस पुनः फिर मुखड़े में लौट कर आता है। कैसे देखिए आप। तेरा मेरा पूछे नाता बड़ी वो ये घटा घन घोर है चुप हूँ ऐसे मैं कह दूँ कैसे मेरा सा जन नहीं तू कोई और है। अब देखिए धप धसार सधप धप धसार सधप संपूर्ण शिवरंजनी है। धप धसार सधप
ध प ध सा रे सा ध प फिर प प ध सा ध सा ध प ध प ध प ग रे सा रे ग प ग रे सा सा तो कि तेरा नाम होठों पे मेरे तेरे सपने मेरी आँखों में करम झिमके गीत सावन गाए हाय भीगी भीगी रातों में। तो आपने देखा कितना खूबसूरत विवादी स्वरों का भी प्रयोग किया गया। कोमल निषाद कोमल धैवत हमें देखने को मिलता है एज अ विवादी इस रचना में, लेकिन शिवरंजनी की छटा कायम हमें नज़र होती भी आती है। और इसी के साथ अब मैं 69 से आपको अगर मैं 81 में लेके चलूं, मूवी आई थी दोस्तों एक दूजे के लिए, स्वर्गीय SP बाला सुब्रमण्यम साहब और आदरणीय लता मंगेशकर जी ने एक गीत गाया था, आपको ध्यान आ गया होगा। हो अब ये आलाप देखिए प्रारंभिक, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मेरे और मेरे सब्सक्राइबर्स के बीच का जो बंधन है वो भी एक अनजाना ही बंधन है। आप इतना प्यार देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, यही लेने मैं आता हूँ और नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। कई लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, वीडियो सारे देखते हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। So I want you all to subscribe the channel as well. So pa da sa re ga re sa dha sa dha pa ho tere mere beech mein tere mere beech mein kaisa hai ye bandhan anjaana। अब आप देखिए ये मुर्गियाँ, कैन यू इमेजिन एनी वन अदर देन लता जी कैन टेक दिस अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। प प प ध ध प सा ध सा ध प प प ध ध प ध ग म ग म ग म ग रे सा प प प ध ध प ध ग रे सा। मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। सारे गा धा 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 रे गा धा गा रे सा, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। सो दिस वाज ग्रेटनेस, द लेजेंड ऑफ लता मंगेशकर जी। अंतरे की तरफ अब आपको लेके चलता हूँ। एक डोर कीजे दूजा, अब यहाँ पे भी शुद्ध गंधार का प्रयोग है दोस्तों, जो कि बहुत कंपोजर्स चाहे वो शंकर जयकिशन साहब हो, मदन मोहन जी हो, उन्होंने भी प्रयोग किया। ये व्यवहार में चीज आती है दोस्तों, इसलिए शास्त्रबद्धता इसमें होनी ही चाहिए। तो एक डोर कीजे दूजा दौड़ा चलाए, एक डोर कीजे दूजा दौड़ा चला है। तो प ध सा गा रे गा गा रे गा रे सा सा रे सा ध सा ध प, एक डोर कीजे दूजा दौड़ा चला है। अब फिर कच्चे धागे में बंदा चला है, रे गा रे सा सा रे गरे गरे साधा साधा पा, ऐसे जैसे कोई ओ ऐसे जैसे कोई दीवाना। मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में प प प ध ध प ध ग रे ग साधा। तो ये एक दूजे के लिए 1981 में शिवरंजनी का प्रयोग देखा। अब 81 से आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ 85 में।
मूवी आई थी दोस्तों, प्यार झुकता नहीं, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सेंटिमेंटल सॉन्ग है, क्योंकि ये राग में एक सेंटिमेंटल मूड दोस्तों दिखता है कि नहीं, एक इमोशंस फीलिंग्स बहुत सरलता से व्यक्त किया जा सकता है इस राग के थ्रू। इस कारण से इस राग का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हमें मिलता है अनेक म्यूजिक डायरेक्टर्स द्वारा। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, अब तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है तो सारे गा पा सारे गा ममा रे पा पा धा धा सा धा पा गरे सा गा 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 गरे सा धा गरे सा। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है सारे गा पग पग रे सारे गा ममा रे सारे गा पग रे सारे गा ममा रे पा धा पा गा धा धा सा धा पा गा रे सा गा गा रे सा धा गा रे सा। तो ये प्यार झुकता नहीं बहुत ही आपको पसंदीदा आपका गाना है दोस्तों। ये भी देखिए आप शिवरंजनी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने किस प्रकार यूज़ किया। 85 से अगर मैं 86 में जाऊं दोस्तों, तो मूवी थी कर्मा। कर्मा में ना जाइयो परदेश, किशोरदा ने भी एक फनी मूड इसमें दिखाया है, लेकिन कविता कृष्णमूर्ति जी ने किस प्रकार खूबसूरती से इस गीत को निभाया आप देखिए। ना जाइयो ना ना आप देखिए, पाधा कोमली लग गया मिश्र शिवरंजनी हो गई धबा धबा ना जियो ना ना जियो ना जियो परदेस मायवे ना जियो परदेस वे मायवे ना जइयो परदे। आप देखिए आप द सारे मगरे गरे सा सारे ग प ध प ग ध प ग रे गरे सा रे सा ध द सारे मगरे गरे सा मध्यम शुद्ध निषाद कोमल ये विवादी है। सारे ग प ध प ग ध प ग रे गरे सा मेरे दिल को लगा कर ठेस माही वे दोनों गंधार का प्रयोग ना जइयो परदेस तो पा 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 था नी ध पा मा ध पा मा ग यहाँ पर मधुमंती दिखती है। सा गा मा पा था पा मा ग रे सा मेरे दिल को लगा कर ठेस माही वे सा पा ग गरे गरे सा सारे ग प ध प ग ध प गरे गरे सा रे सा ध द सारे
मगरे गरे सा सारे ग पधप गधप गरे गरे सा Oh my darling, don't cry, you don't cry, me going to die, me going to die, me going to die, oh bye bye. और बाय बाय 1986 से मैं इस लेक्चर का आपको करना चाहूँगा दोस्तों। तो यही मेरी एक प्रेजेंटेशन थी आपके समक्ष, कुछ गीतों की लड़ी शिवरंजनी पर आधारित प्रस्तुत करूं। आपका कर्तव्य है कमेंट करके बताएं आपको कितना बेनिफिट हुआ। आगे ऐसी खूबसूरत राग बेस रचनाएं मैं लाता रहूंगा, कुछ प्रैक्टिस मटेरियल भी दूंगा, कुछ आपकी फरमाइशें भी मेरे जहन में हैं, मैंने नोट कर रखी हैं, चाहे वो रोशन जी हो, वसंत देसाई जी हो, सी रामचंद्र जी हो, हर एक को आपके समक्ष लेके आऊँगा। जिस प्रकार मदन मोहन जी को लेके आया हूँ, शंकर जयकिशन जी को लेके आया हूँ, सलील चौधरी जी को लेके आया हूँ, ऐसे ही आपकी संगीतमय सेवा में भी खुद भी आता रहूँगा। ओम शांति।